जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमें कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर अभी आप वर्तमान में जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में रखी इन चीज़ों से पैसा पानी बन जाता है। पानी बनने से यह मतलब मत समझिएगा कि तरल बन जाता है, अर्थात ये है कि पैसा आता तो बहुत है घर में, पर वो पानी की तरह बह जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ पैसे चले जाते हैं। पैसे कमाते तो बहुत हैं, आते भी बहुत हैं, पति बहुत कमाते हैं, बाकी घर में तो कुछ आता ही नहीं है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि पैसा तो आता है, उससे दो गुना हमारे घर पर कर्ज हो जाता है। तीसरी बात है कि हमारी उन्नति होती ही नहीं है, इतने धन और संपदा आने के बाद भी हम वहीं के वहीं यथावत रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि घर में पैसा तो बहुत आता है पर वो बहुत अधिक स्पीड से खर्च हो जाता है, एक तरफ आता है और दूसरी गति से चले जाता है। तो वो जो चीज़ें होती है वो हमारे घर में इन तीन चीज़ों की वजह से होती है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिस वजह से ये परेशानी और ये चीज़ें हमारे साथ आगे बढ़ती है और ये बढ़ती ही जाती है। तो इसी विषय पर हम आज इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके घर में जो पैसा नहीं टिकता है, नहीं रुकता है, इसकी परेशानी आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय का नाम नहीं लिखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर अपने जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ से वर्तमान में चल रहे हैं, कोई जीवन में प्रश्न है तो अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएँ और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस और शुल्क लागू है। अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात है कि घर में पैसे नहीं रुकने के पीछे एक बहुत बड़ा वजह होती है, वह है घर में अनुपयोगी चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में होना। मतलब घर में वो कबाड़ जिनका उपयोगिता में कोई काम है नहीं लेकिन आप उसे रख रख के रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे घर में नेगेटिविटी को जन्म देती है और नेगेटिविटी को जन्म देने के बाद जो लक्ष्मी शुभ आती है हमारे घर में, दरिद्रता होने की वजह से वो लक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती है, वो जैसे आती है उसकी दो गुना स्पीड से चली जाती है। तो दरिद्रता को मिटाने के लिए आपको घर में सबसे पहले तो स्वच्छता को रखना होगा, दूसरी बात है घर में जो भी अनुपयोगी कबाड़ है उसे घर से बाहर करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके घर की दरिद्रता कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इस वजह से न लक्ष्मी टिकेगी, न रुकेगी और न थमेगी। तो ये बात अपने जीवन में गांठ बांध के रख लें कि घर में अनुपयोगी चीज़ों को हम आज से नहीं रखेंगे। दूसरा होता है महिलाओं का सम्मान। जिस भी घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है ना, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। चाहे आप कुछ भी कर लें, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिक सकती है। इसलिए महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा इसे संवेदनशीलता से ले, क्योंकि लक्ष्मी जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महिलाओं का सम्मान। जहाँ महिला की पूजा होती है वहीं लक्ष्मी विराजमान करती है। ये बहुत बड़ा वाक्य है और ये बहुत बड़ा गूर रहस्य भी है। आप इसे भी प्रैक्टिकल करें तो आप देखिए। तीसरा होता है मंत्र जप। जिस घर में मंत्र जप नहीं होंगे वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। अब मंत्र जप करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ओम नमः शिवाय मंत्र लें, इसका कंटिन्यू जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। और लक्ष्मी सीधी सी बात है वैभव और इन सब चीज़ों को लेकर आती है जो स्वतः ही व्यक्ति को विकासशील बनाती है। चौथी चीज़ जो आज के इस युग में मैं नए थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ देखने को मिल रही है, नवाचार करना होना। हम आधुनिकता के साथ नवाचार, हमारी संस्कृति को बेशक हम बनाए रखें, हमारी संस्कृति के प्रति हमारे पूर्ण श्रद्धा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें नवाचार, नए विचार, नए विकास की ओर बुद्धि को लगाना चाहिए। अभी भी उन रूढ़िवादिताओं में नहीं उलझना चाहिए जिससे कि हमारी उन्नति रुकती है, हमारा पारिवारिक विकास रुकता है और कई सारी चीज़ें हम डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ें ही हमारे घर में धन को नेगेटिव में ले जाती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, नशा जीवन का नाश है। अगर आप नशा करेंगे वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी और जीवन में कई सारी परेशानी होगी। अगर अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। ओम नमः शिवाय।